सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हड़ताल पर अड़ी है जूनियर्स डॉक्टर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तौफीक उमर और आप देख रहे हैं V1 News। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स को मंगलवार से काम पर लौटने को कहा है, इसके बावजूद वह हड़ताल पर अड़ी है। आज से सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 स्थित स्वास्थ्य भवन में स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय अभियान की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 48 जूनियर डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत के इस निर्देश के बावजूद जूनियर चिकित्सक हड़ताल पर अड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम आने के बाद जूनियर चिकित्सकों की मैराथन बैठक की। बैठक के बाद एक बयान जारी की, कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अपील के बावजूद उनका काम बंद आंदोलन जारी रहे। साथ ही मंगलवार को स्वास्थ्य भवन अभियान की घोषणा की गई। बयान में कहा गया कि दिन में 1 बजे से करुणामयी से सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 स्थित स्वास्थ्य भवन में अभियान की शुरुआत होगी। जूनियर चिकित्सकों का कहना है पुलिस जहां रोकेगी वहीं वह धरने पर बैठ जाएंगे। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। बयान में कहा गया कि धरना 2-3 दिन या उससे ज्यादा या कम चल सकता है। अभियान में शामिल होने वाले से तैयार रहने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि धरने के लिए भोजन वगैरह तैयार किया जा रहा है। उधर जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर कौस्तव नायक और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम के इस्तीफे की मांग की है। इसी मांग पर स्वास्थ्य भवन अभियान की घोषणा की गई है। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स के फ्रंट ओर से यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि वह 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आने के बाद से जूनियर चिकित्सक हड़ताल पर हैं। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। हालांकि आरजीकर डॉक्टर सहित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। वे आउटडोर, इंडोर और इमरजेंसी विभाग में मरीजों की चिकित्सा कर रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हड़ताली डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए V1।